सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जिस भी जगह जितना दूरी होगा वहाँ तत्पर पहुंचा जाएगा। कितना यूनिट? जल्द से जल्द पहुंचा। यहाँ पर 8 यूनिट है, 4 टीम है। नेपाल में भारी बरसात से बिहार की नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी और मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाली गंडक और बागमती की नदी में भी जलस्तर वृद्धि हो गया और नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर में 4 यूनिट SDRF की टीम तैनात की गई है और अलर्ट हो गई है, रेडी हो गई। इस वक्त हम यूनिट केंद्र में हैं जहाँ पर चारों यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के साथ दो दो नाव है और वो एक साथ जाती है मोमेंट में, कहीं भी उसकी पूरी तरह से SDRF की हम बात करें तो तैयार हो गई है, क्योंकि बाढ़ का खतरा जिला पर मंडराने लगा है और मौसम विभाग ने भी इस बार भारी बरसात का जो है अनुमान जताया है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कहीं ज़रूरत पड़ती है बाढ़ और बरसात में तो इसी SDRF टीम की, और SDRF टीम जो है वह काफ़ी लोगों की मदद करती है और पूरी तरह से तैयार और अलर्ट है। हमारे साथ SDRF के अधिकारी हैं, किस तरह से तैयारी है, क्योंकि इस बार बाढ़ का खतरा ज़्यादा है और समय से पहले है। बाढ़ के संभावित हम लोग सभी तरह से तैयार हैं। हमारे पास 8 बोट है, 8 बोट में 4 टीम हम देने के लिए तैयार हैं, 4 टीम एनी टाइम तैयार है, हर समय मुस्तैद है। जहाँ से भी आदेश मिलेगा उस जगह हम जाने के लिए तैयार। मेरे पास वाहन आने की ज़रूरत है, वाहन आएगा, हम लोड करेंगे और जगह जगह पर जहाँ पर होगा पहुँचा जाएंगे। और ग्रामीण को सुरक्षा के लिए, ग्रामीण को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। पूरी तैयारी हमारे पास, बोट सभी अच्छी तरह से है, वो भी हम अच्छी तरह से है और जवान भी हमारे मुस्तैद हैं, तैयार हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। कहीं भी यदि सूचना आती है तो कितनी देर लगेगा अमूमन तैयार होने में, पहुंचने में SDRF को लगता है? हम अपने वाहन पर हम आधा घंटे में लोड कर देंगे, उसके बाद जिस भी जगह जितना दूरी होगा वहाँ तत्पर पहुंचा जाएगा। कितना यूनिट? जल्द से जल्द पहुँचा। यहाँ पर 8 यूनिट है, 4 टीम है, 4 जगह, मतलब हम यहाँ पर 2 बोट के साथ, एक टीम में 2 बोट होती है और उसमें 8 से 10 जवान होता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम इंस्पेक्टर गुणेश्वर मंडल, SDRF मुजफ्फरपुर। SDRF के इंस्पेक्टर साहब हैं जिन्होंने बताया कि पूरी तरह से हमारी यूनिट जैसे ही सूचना मिलेगी आधे घंटे के अंदर पहुंचने का जो जरूरी स्थल है वहां पर तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से 1 मिनट में मूवमेंट करके नाव रेडी कर लिया गया और जिस तरह से बाढ़ का खतरा ज़िले पर बढ़ा है, तो SDRF तैयार है लोगों की सेवा करने के लिए और SDRF के भरोसे काफ़ी ज़िले में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला का काफ़ी क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित है। पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो 16 में से 15 प्रखंड बाढ़ प्रभावित था। ऐसे में ज़िले में SDRF की अति आवश्यकता है और SDRF इस खतरे में लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।